कोरोना महामारी के दौर में गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्र में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दुर्गापुर से प्रस्थान कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दो टैंकरों में 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर शनिवार को 12:10 पर पूर्वोत्तर रेलवे के नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां जिला प्रशासन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षित तरीके से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डीकैंटिंग निस्तारण की गई। गौरतलब है कि संरक्षित, सुरक्षित एवं तीव्रता से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों की ढुलाई कर पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर एवं आसपास की जनता के लिए 40 मीट्रिक टन प्राणवायु ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई, जिससे यहां के जरूरतमंद लोगों को काफी राहत हुई है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन निर्बाध गति से किया गया और इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने मात्र 12 घंटे में 840 किलोमीटर की दूरी तय की। नकहा स्टेशन पर जिलाधिकारी केविजेन पांडियन, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी चंद्र प्रकाश चौहान, सीओ जीआरपी रचना मिश्रा, नायब तहसीलदार सदर सहित रेलवे और जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहे, जिसके संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनपद में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लाया गया है। यहां पर दो ऑक्सीजन फैक्ट्री मोदी केमिकल्स और आरके ऑक्सीजन को 20-20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन की खपत है, इसमें कुछ समय तक हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के पास 3 ऑक्सीजन टैंकर हैं जो बोकारो और काशीपुर से नियमित ऑक्सीजन लाते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो और मंगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी 4 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। संत कबीर नगर के मयूर ऑक्सीजन को भी कुछ ऑक्सीजन दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी के विजन पांडियन ने कहा, जी जी सुन रहा हूँ।
के जो कर दिया गया था क्या बढ़िया कितने दो टैंक नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ADM फाइनेंस हूँ। हमारे जनपद में अभी जो एल्मो की आवश्यकता है लगभग 40 मीट्रिक टन की आवश्यकता पड़ रही है। 3 टैंकर हैं हमारे जनपद में जिससे ये काशीपुर और बोकारो से लाया जाता है। अभी राज्य सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई है जिसमें 40 मीट्रिक टन एल्मो है और जो हमारे लिए कम से कम 1.5 दिन के लिए हमारे लिए सफिशियंट है और ये बहुत अच्छी पहल है और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी जाएगी। सर कितना लाभ मिलेगा कोरोना पेशेंटों को? इससे तो बहुत लाभ मिलेगा। हमारा जो गैप था कि कभी कभी हमारा प्लांट रुक जाता था, LMO अवेलेबल नहीं रहता था, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ गई है तो वो गैप समाप्त रहेगा और हम जितनी भी हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई कर सकेंगे। सर किसके द्वारा वितरित किया जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ये 2 जगह जाएगा, एक मोदी केमिकल्स में, दूसरा RK ऑक्सीजन में, दोनों को 20 MT और 20 MT। इसके अलावा कुछ मयूर संत कबीर नगर है, कुछ उसको भी दिया जाएगा। सर ऑक्सीजन आया अभी गोरखपुर में, क्या देखिए 40 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई हुई है गोरखपुर में, हम लोग कहाँ खड़े हैं और ये तो सीधे झारखंड से 12 घंटे में पहुंच गया हम लोग का, एक वरदान है एक तरफ से। पहले से ही गोरखपुर का स्थिति तो अच्छी सी होगी, आप जान नहीं रहे। पहले तो 2000 सिलेंडर पर डे हम प्रोडक्शन करते थे, अभी 8000 सिलेंडर पर डे के क्षमता के हिसाब से वृद्धि हो गई और लगातार LMO हमें काशीपुर उत्तराखंड से मिलता था, फिर झारखंड से मिलता था। एक कठिनाई होती थी ताकि गाड़ी जो बाई रोड जाती थी कहीं कहीं जैम में फंस जाती थी और आने जाने में तो कम से कम 24 घंटे के ऊपर लग जाता था। अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, कल रात को निकली थी, अब देख रहे हैं तो इतने जल्दी पहुँच गया हम लोग का। 40 मीट्रिक टन का है, तकरीबन हमें तो 3 दिन का जो कितने ज़रूरत है, केवल गोरखपुर का नहीं, आसपास 15 जनपद का आपूर्ति है, इसी से आराम से हो जाएगी। अब इस समय में हम लोग ऑक्सीजन सरप्लस में है, यानी कम से कम एक सप्ताह का कितने ऑक्सीजन का खपत है, अधिकतम बेड संख्या के हिसाब से हमारा पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। तो गोरखपुर अकेले गोरखपुर का आच्छादित नहीं करता है, आसपास का पूरा पूर्वांचल इलाका का सप्लाई करता है। उसी के हिसाब से पहले से जो यहाँ कितने प्लांट बंद था उसको भी एक्टिवेट करा दिए हम लोग। मोदी का एक प्लांट एक्टिवेट हो गया, अन्नपूर्णा करके एक प्लांट है वो भी चालू हो गया। उसके अलावा यहाँ 20 जगह छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लग रही है, जनरेशन प्लांट, ताकि हर ब्लॉक में एक एक सुविधा रहेगा, L1 प्लस और L2 लेवल का रहेगा, ताकि वो जनता का अभी जून 15 तक हर 5 किलोमीटर में एक कोविड फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, ग्रामीण इलाका में भी और शहरी इलाका में भी। खासतौर पे अगले वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगस्त में कभी आ सकता है, कितने भी बुराई से बुराई होगा उसी के पहले हम लोग को तैयारी बिल्कुल मजबूत के साथ कर सकते हैं और उसका पीडियाट्रिक वार्ड एज वेल एज महिला वार्ड एज वेल एज जो उसका जो नज़दीकी इलाका में, तीनों जगह फोकस कराते हुए हम लोग विस्तारित कर रहे हैं। उम्मीद है सभी लोग मिलकर ये कोरोना का ज़रूर पार करेंगे। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, जनता से हमें सहयोग हमेशा चाहिए, बिना जनता के सहयोग से हम ये जो इतने बड़ा महामारी को तो लड़ नहीं सकते हैं। हमेशा मास्क पहनिए, ज़रूरत है तब घर से बाहर निकालिए, हाथ धो लीजिए और 2 गज का दूरी, ये तीनों मूल मंत्र का कतई भूलना ना चाहिए। सर कुछ आसपास में भी हॉस्पिटल बन रहे हैं चौड़े चौड़े ब्लॉकों के स्तर पर? यहाँ देखिए हर ब्लॉक में 20 ब्लॉक में हम लोग लक्ष्य लेके जा रहे हैं, हर ब्लॉक में एक एक मेडिकल फैसिलिटी कराने के लिए। वैसे इस समय में CHC चोरी चोरा, CHC हरनई और CHC सहजनवा, तीनों में ऑक्सीजन प्लांट लगने के काम चल रहा है। बड़ालगंज, गोला और बाकी जगह भी एक एक जगह प्लांट का स्थापना चल रहा है और ये प्लांट तो अक्सर गुजरात से महाराष्ट्र से आता है, बाकी सिविल कंस्ट्रक्शन हमारा काम जारी हो रहा है। ये प्लांट तो कहीं इंपोर्ट होता है, कहीं बाहर से आता है, उस पर समय लग रहा है।
जून पहले सप्ताह तक यानी 7 तारीख तक हमारा ये सारे प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कम से कम तो 20 जगह हम लोग ये सुविधा जनता का उपलब्ध करा लेंगे। वही तो एक मानक लेके जा रहे हैं हम लोग, 5 किलोमीटर दूरी पे जो भी व्यक्ति उन्हीं का कोविड फैसिलिटी का उपचार मिल जाए, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम जा रहे हैं। सर क्या स्थिति अभी कोविड की, संख्या घटी है? पिछले 3 दिन से अच्छा खासा घटी है संख्या, अब देख ही रहे हैं पहले 1000 के ऊपर केस पहुँचती थी, अभी एवरेजली 400 से 500 केसेस आ रहे हैं पर डे, और बेड भी काफ़ी खाली हो गया। कितने लोग पहले करीब 15-20 दिन पहले उपचार के लिए आए थे वो सब लोग ठीक होकर चले भी गए थे, और बेड का भी कहीं समस्या नहीं है और ऑक्सीजन का भी कोई समस्या नहीं, दवा का भी समस्या नहीं है। बस यही है जो तब 17 के बाद यदि मान लीजिए अभी लॉकडाउन खुलेगा, मैं यही अपेक्षा करता हूँ ताकि ये सावधानी बरतना चाहिए था, ताकि हम लोग पहले भी जो जो स्थिति रहा उसी स्थिति में कतई हमें जाना नहीं चाहिए था।